Hello everyone, welcome to my channel. Today I show you how to change icon shapes in every Samsung smartphone. This is a new feature available every Samsung smartphone. और दोस्तों ये आपने चेंज कैसे करना है और इसकी सेटिंग्स आपको कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो यहाँ पे मेरा देखते रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन। तो मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज टैग चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने चेंज कैसे करने हैं आइकन शेप्स, ठीक है। तो आप इन शेप्स को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं इन शेप्स को, तो कैसे करना, और ये जो ट्रिक है सभी सैमसंग डिवाइस में वर्क करेगी जिनमें जो है 2.0 का अपडेट आ चुका है। इससे ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं सभी में ये ट्रिक जो है वर्क करेगी। तो सेटिंग आपको कहां पे मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए जाना होगा आपको फोन की सेटिंग पे। सेटिंग पे चले गए। सेटिंग पे जाने के बाद तो आपने जाना है डेवलपर ऑप्शन। तो कुछ लोगों को डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं करना आता, तो उसके लिए आपको अबाउट फोन पे जाना होगा, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा, फिर बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे आइकन शेप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिक्योर, टीयर ड्रॉप, सर्कुलर, राउंड एंड सर्कुलर, रेक्टेंगल, ये सभी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने, मैंने यहाँ टीयर ड्रॉप रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सिक्योर भी कर सकते हैं, सिक्योर, सर्कुलर, राउंडेड, रेक्टेंगल, मतलब मैं इसको मान लो कि मैं ये वाला चूज करता हूँ, ठीक है, चूज कर दिया। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अभी तो यहाँ पे चेंज नहीं हुई है क्योंकि टीयर ड्रॉप वाले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब चेंज कैसे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना डिवाइस रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं अपना फोन यहाँ पे रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब रीस्टार्ट होता है डिवाइस तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपने वेट करना है, फोन इज रीस्टार्टिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे आइकन शेप यहाँ पे फिर से चेंज हो चुके हैं। तो मेरा आइकन देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, है ना कमाल की ट्रिक। वैसे ही आप और भी इस तरह जाके सेटिंग में जाके वहीं पे टीयर ड्रॉप, मतलब सॉरी वहां पे आइकन शेप पे जाके अपनी आइकन शेप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सभी सैमसंग डिवाइस में वर्क करता है। सिक्योर में जाएगा, सर्कुलर में आ जाएगा, राउंड और रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। तो ये कोई भी ऑप्शन है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।